नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एनडीए में जो कलह सुलगी हुई है या फिर नीतीश कुमार जिस तरह से नाराज हैं, गुस्से में हैं, या फिर नीतीश कुमार के कुछ फैसलों को लेकर, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से आने वाले कुछ बयानों को लेकर बीजेपी नाराज है, तो दोनों दलों के बीच का जो टकराव है उसकी वजह क्या है? टकराव है, इसकी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों दलों की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, या फिर जेडीयू की तरफ से जिस तरह से जीतनराम मांझी बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जीतनराम मांझी बैटिंग कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा राजनीतिक खेल है, ये जो पूरा सियासी खेल है, और अगर ये कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो इस खेल के पीछे की वजह क्या है? अंदर खाने से जो हमारे पास खबर है, जो जानकारी है, दरअसल इस खेल के पीछे कई वजह है, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। एक एक करके अलग अलग वीडियो में हम तमाम खबरें आपको दिखाएंगे और हम बताते भी रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह चिराग पासवान भी है। वो चिराग पासवान ही हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हैं, बीजेपी से निपटने के मूड में है, बीजेपी को निपटाने के मूड में है, क्योंकि जेडीयू का जो हश्र हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव में, ये बेहिचक कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की वजह से हुआ। और बेहिचक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जेडीयू ने भी यह स्वीकार किया, जेडीयू के सहयोगी दलों, एनडीए के सहयोगी दलों ने भी स्वीकार किया, बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे दलों ने भी स्वीकार किया कि नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से थोड़ा नुकसान बीजेपी को और बहुत नुकसान जेडीयू को हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अगर 44 सीटों पर सिमट गई, 43 सीटों पर सिमट गई, तो दरअसल ये नुकसान चिराग पासवान का दिया हुआ है। बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई, तो बीजेपी के लिए यह जमीन चिराग पासवान ने तैयार की, हालांकि कुछ जगहों पर बीजेपी को नुकसान भी पहुंचाया। जेडीयू नेताओं के अंदर बहुत नाराजगी है, जेडीयू के चाहे छोटे स्तर के नेता हों, बड़े स्तर के नेता हों, वो लगातार फूटी आंख चिराग पासवान को नहीं सुहाते एनडीए में, और किसी भी हाल में चिराग पासवान को एनडीए में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जेडीयू। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तो ये ऐलान कर दिया, या फिर ऐलान करवाया गया, आप इसको जिस तरह से भी देखें, लेकिन बीजेपी ने ऐलान किया आधिकारिक तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले कि जिसे नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं होगा वह एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। नीतीश कुमार के लिए राहत भरी बात थी कि चिराग पासवान से बिहार में बीजेपी ने किनारा किया, लेकिन केंद्र में चिराग पासवान का हाथ नहीं झटका है बीजेपी ने, और तब भी नहीं झटका है जब जेडीयू के कई बड़े नेता ये बार बार दावा करते रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। दरअसल नाराजगी की वजह यहां है, जेडीयू चाहती है कि चिराग पासवान किसी भी हाल में केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं हो, उनको केंद्र की एनडीए से भी आउट किया जाए, और इसको लेकर तस्वीर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी इसको खारिज नहीं किया है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं, या फिर जिस तरह से जेडीयू ने ऐलान किया है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है, बीजेपी ने उसका समर्थन नहीं किया है, उस पर मुहर नहीं लगाई है, और एलजेपी की तरफ से बार बार यह दावा सामने आता है, चिराग पासवान की तरफ से यह बार बार दावा सामने आता है कि वो केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं, तो दरअसल नाराजगी की वजह यही है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को निपटाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार से ही निपटने को तैयार है, और टकराव की एक वजह, एक बड़ी वजह यह भी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि चिराग पासवान की वजह से बीजेपी जेडीयू की दोस्ती कुर्बान होने जा रही है, अगर दोनों की दोस्ती टूटने जा रही है जैसे कि हालात नजर आते हैं, जैसे कि स्थितियां और परिस्थितियां नजर आती हैं, तो इसकी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, इसके कई दूसरे कारण भी हैं, लेकिन एक बड़ा कारण चिराग पासवान है।
तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़े हर खबर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका प्यार, सहयोग और समर्थन मिलेगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और बेहतरी के साथ आपके सामने खबरों को परोस पाएंगे और सटीकता के साथ और मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ आपके बीच मौजूद हो पाएंगे, आपके बीच खबरों को ला पाएंगे। थैंक यू।